बच्चे ने दी माँ बाप को एक सीख। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज बहुत अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब लोग खाना खा रहे थे, बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज़्यादा थी सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया, और साथ में बहू और उसका एक बेटा भी खाना खाने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। बेटे और बहू ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी ज़मीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दें। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। दूर बैठा उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने प्यारे दादाजी की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुँह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चा बड़ी ही मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक उन दोनों को दे रहा था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अपने माता पिता की आप इज्जत करें और उन्हें कोई कष्ट ना होने दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इस शिक्षाप्रद कहानी ज़रूर सुनाएं। मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।